कैमरा एक्शन। नमस्कार आप सभी बंधुओं का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि यह न्यूज आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, और मैं हूं अनिल आनंद, और हमारे साथ में है मुकेश जी, और साथ में ओम प्रकाश जी, और हमारे कैमरामैन बहादुर जी। तो आप लोगों को मैं यह सूचित करना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग बागमती नदी के समीप बेलवा घाट के पास उपस्थित हैं। सीतामढ़ी से हम लोग आ रहे थे इसी रास्ते से, तो देखा मैंने, हम लोगों ने देखा कि बाढ़, जो बारिश तो थम गई है, लेकिन बाढ़ की पानी जो है इसका कनेक्शन अब नेपाल से है, चाइना से है, जापान से है, ये तो पता नहीं है, क्योंकि यह अथाह समंदर है और इस समंदर का लहरें काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ रही है। तो यहाँ के जो आसपास के रास्ते हैं, गांव हैं, इलाके हैं, इस इलाकों में जो डर की भावना है और इस पानी की बढ़ने की शंका है, वो यहाँ के लोगों में बढ़ते जा रही है। भैया से पूछ लीजिए भैया। तो यहाँ के हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं, और सोचा कि यह वीडियो को हमने अपने कैमरे के अंदर हमारे कैमरामैन बहादुर जी से अपील किया कि इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया जाए। तो अपने कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को दिखाया जाए, इस समुंदर के लहरों को दिखाया जाए। ये काफ़ी पानी बढ़ चुकी है, और ये उस पार नदी, उस पार जहां हम लोग खड़े हैं, नदी उस पार अदौरी गांव पड़ता है, और नदी इस पार जहाँ हम लोग अभी उपस्थित हैं यह बेलवा घाट है, खोड़ीपाकड़ बेलवा घाट नियर। तो कैमरामैन, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहे होंगे कि जो समंदर की पानी है, इसे बागमती कहा जाता है, जहाँ से हमारे हमारे इलाके के सभी लोग जल बोझी करते हैं इस सावन के भादो के महीने में, और इस नदी में। तो अभी हमारे बीच यहाँ के निजी निवासी उपस्थित हो चुके हैं। भाई साहब से मैं अपील करूँगा कि यहाँ का जो स्थिति है उसे बताएं। देखिए, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, कैमरामैन से अपने दिखाने का कोशिश करूँगा कि इधर का पानी को दिखाया जाए, जैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी यहाँ पानी नहीं था, और यहाँ हम लोगों को 2 मिनट लगा यहाँ आए हुए, और यहाँ पानी बढ़ते जा रहा है अपने चरम सीमा पे। और यहाँ का जो मार्ग है, बेलवा घाट का मार्ग है, जो जोड़ती है हम लोग को देवापुर से, खोड़ीपाकर भंडार से, और इधर सिंगरहिया पिपराढ़ी से, उस रास्ते का आवागमन कुछ दिन के लिए ठप हो सकता है, जैसे कि पानी बढ़ रहा है, पानी का जो असर है और सिलसिला जो बढ़ते जा रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ के निजी निवासी से। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? अमोद कुमार जी, आपका घर यहाँ बेलवा है? प्रॉपर बेलवा में ही है। चलिए, तो अमोद जी बता रहे हैं कि यहाँ सबसे बढ़ रहा है, बेलवा के निवासी हैं। कहाँ से पानी आ रहा है, कोई अनुमान है आपको? बिल्कुल, यह नेपाल से ही आने की संभावना है इस पानी को, क्योंकि बिना बारिश के यह पानी नेपाल सरकार छोड़ते रहता है, ताकि वहाँ भी पानी का जो प्रभाव है और जो पानी का जो खपत है वो संभार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से बिहार में पानी को भेजा जा रहा है, और यहाँ के आम पब्लिक, आम जनता इससे बहुत ग्रसित है। तो यहाँ के निजी निवासी अमोद जी से हमने बात किया, तो उन्होंने बताया हमें कि 2 घंटा से यहाँ का पानी बढ़ने का सिलसिला जारी हुआ है, और इस पानी का रोकने का भी कोई नामो निशान नहीं है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पानी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और जो आपको कैमरामैन से मैं दिखाने का गुजारिश करूँगा कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो सुरक्षा बल है, वो अपना कार्य कर रही है लगातार, अपना रास्ता बनाने का और लोगों को परेशानियों से बचाने का। जो बेलवा घाट से, देवापुर से लेकर सिंगरहिया दोस्ती या पिपराढ़ी को जोड़ती है जो मार्ग, उस रास्ते का आवागमन निरंतर होते रहे, इसका कार्य यहाँ के सुरक्षा कर्मी लोग कर रहे हैं। तो ये यह था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच। आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इस रास्ते से गुजरने वाले हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे दोस्त मित्र लोग हैं, उनको इस जानकारी का सूचना मालूम पड़े। और इसी के साथ अपने कैमरामैन अमोद बिहारी के साथ मैं अनिल आनंद, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सहकर्मी मुकेश सिंह जी, और साथ में ऋषि सिंह, ओम प्रकाश जी, आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। दीजिए विदा, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।